साथियों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे दोस्तों, यदि आप बेरोजगारी भत्ता लेना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों आप सभी को मिलकर, ठीक है ना, और बाकी यूट्यूबरों को मिलकर कुछ करना होगा। तो मैं आपको पूरी यहाँ प्रोसेस बताना चाहूँगा। मेरे दोस्तों, सफलता उसी इंसान को मिलती है मेरे दोस्तों जो संघर्ष करता है, ठीक है ना। देखो, जब तक अपन मेहनत नहीं करेंगे सफलता कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। देखो दोस्तों, सभी मेरे यूट्यूबर भाइयों से निवेदन है और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है ना, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, तो आपसे मेरा निवेदन है। और प्लस में आपको क्या करना है, आप चाहे किसी भी YouTube चैनल को देखते हो, चाहे मुझे देखते हो, उसके अलावा और देखते हो, उनसे भी आपको निवेदन करना है कि मुख्यमंत्री जी से आप सभी को ट्वीट करना है कि मुख्यमंत्री जी, जो इंटर्नशिप योजना है, जो बेरोजगार हैं, जो इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, वो करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वो पहले ही बेरोजगार हैं। यदि वो इसको करते रहेंगे 4 घंटे, क्योंकि एक एक मिनट की जो वैल्यू आज के युग में बहुत ही ज़्यादा है, तो आने वाले भविष्य में वो बेरोजगार हो जाएंगे और का भविष्य वो कहीं ना कहीं अंधकार में चला जाएगा, ठीक है। और आने वाली जो पीढ़ियां हैं, इन बेरोजगारों को माफ नहीं कर पाएंगी। तो मेरे दोस्तों, मेरा आपसे इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि आपको भी मुख्यमंत्री साहब को ट्वीट करना है कि मुख्यमंत्री साहब, हम आपकी योजना से खुश हैं जो आपने 3,350 लागू की थी, ठीक है ना। हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन आपने जो इंटर्नशिप योजना लागू की है, इससे कहीं ना कहीं जो बेरोजगार साथी हैं वो अपने भविष्य को लेकर इस मंजर में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो और प्लस में आपको जितने भी यूट्यूबर हैं जो बेरोजगारी भत्ते का चैनल चलाते हैं, मेरा भाइयों से निवेदन है कि मेरे दोस्तों आप भी कुछ आवाज़ उठाइए। देखो, मैं लंबे समय से इस पर आवाज़ उठा रहा हूँ, लेकिन कुछ यूट्यूबर जो बिल्कुल भी इस पर आवाज़ नहीं उठा रहे कि भाई इंटर्नशिप ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बस चुपचाप आएंगे, बिल पेमेंट की जानकारी देकर चले जाएंगे। देखो, मेरा आपसे निवेदन है कि भाई आपके साथ भी काफ़ी साथी जुड़े हुए हैं, तो आप भी उठाइए, क्योंकि देखो साथियों, बूंद बूंद से गढ़ा बढ़ता है, तो आपको सहयोग करना ही पड़ेगा। तो देखो, मैंने भी वही क्या है, बार बार साहब के पास ट्वीट किया है, सीएम साहब के पास मैंने लिखा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इंटर्नशिप योजना को स्थगित करते हुए बेरोजगारी भत्ता पहले की भांति घर बैठे ही दिया जाए, ताकि राजस्थान का जो बेरोजगार अपनी पढ़ाई ठीक प्रकार से कर पाएँ। आज बेरोजगार फैसला नहीं कर पा रहा इंटर्नशिप करे या पढ़ाई करे। मेरे दोस्तों, यदि आप सर्वे करवाओगे तब भी यही बात निकल के आएगी कि 99% तो क्या मैं 100% मानता हूँ कि बेरोजगार इंटर्नशिप करने के इच्छुक में नहीं है, क्योंकि ये जो बेरोजगारी भत्ता जो मिल रहा है वो सभी क्या है, अपनी नौकरी की तलाश में है, कोचिंग करने वाले स्टूडेंट हैं। यदि मान लो वो इसी उम्र में नहीं पढ़ पाएंगे तो क्या फिर वो 60 साल की उम्र में पढ़ पाएंगे। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे दोस्तों, आपको भी ट्वीट करना है और बाकी यूट्यूबरों से भी आपको ट्वीट करवाना है। देखो, मुकेश 3M इकल्ला मेरे दोस्तों कुछ नहीं कर सकता, मैं ये कहता हूँ, संगठन में जब शक्ति होगी मेरे दोस्तों, जब ही हमें सफलता मिलती है, ठीक है। और संगठन अपन को बनाना ही पड़ेगा। बनाने का मतलब ये नहीं है कि भाई आपको इकट्ठा होना, नहीं, सिर्फ आपको ट्वीट करना है सीएम के साहब। सीएम साहब हमारे बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, जब उनके पास ये सूचनाएं धीरे धीरे पहुंचेगी तो सफलता मेरे दोस्तों ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो धन्यवाद, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है मेरे दोस्तों। मैं आज आपको ये नहीं कहूँगा कि चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और प्लस में सभी यूट्यूबरों को आपको जगाने का काम करना है, मेरे भाइयों आप भी कुछ अपनी आवाज उठाइए। आप ये ना सोचना कि इससे कुछ नहीं होगा। साथियों, देखो, युद्ध में जाने से पहले यदि अपन सोच ले कि हम नहीं जीत पाएंगे तो हमारी तो पराजय पहले ही हो जाती है, ठीक है ना। संघर्ष जरूर करना चाहिए, सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि जो लड़ेगा वही आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।